थक जाती हूँ थोड़ा बात करते करते, तो पहले थोड़ा पानी पी लेती हूँ, गला सूख रहा है फिर। और आप लोग देख ही सकते हैं मेरे चेहरे का हाल क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा इधर भी देख। तो अभी मिस श्रीति खा रहे हैं सैटरडे स्पेशल खिचड़ी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऐसे ऑयल आने लगा है बाहर, और तो ये देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हमारे चैनल श्रीकास्ट। आई होप आप से बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, और अभी 9:45 हो रहे हैं, 9 नहीं बजे हैं, 9 बजेंगे। और अभी नाश्ता वगैरह सब बन गया है, और मिस्टर भगत नहा चुके हैं, और अभी वो दुकान पे चले जाएंगे चाय वगैरह पी के। तो चलिए आज के ब्लॉग में जो जो होगा सब कुछ आप लोगों से शेयर करूँगी, और देखती हूँ जो जो आगे क्या क्या होता है। और ये देख सकते हैं मिस्टर भगत को, अभी मुँह देख सकते हैं, मुँह कैसे करके खा रहे हैं। इनका आई प्लग देखिए, मेरे बाबू का आई प्लग कैसे होगा, है ना क्यूट सा। सर ना हो तो अच्छा है, क्यों ले देगा आंखें में चुल घुस जाता। हाँ इनका उठे, इनका सुबह सुबह क्या हुआ, सोकर उठे और आँख के अंदर चला गया, बहुत टूटता है इनका, है ना। लेकिन आपका है ना मजबूत भी है, अच्छा है, मोटा मोटा एकदम अच्छा लगता है। थैंक यू। चलिए अब जाएंगे दुकान, इनको हमेशा चाय के साथ नीमकी चाहिए होता है, कुछ रहे चाय ना रहे। हेलो एवरीवन, तो अभी आ गए हैं छत में, और इतना ज़्यादा धूप किया है मतलब शरीर पूरा जल रहा है छत में बैठने में, और अभी हवा भी चल रहा है बहुत, क्योंकि मतलब बसंत पंचमी का टाइम आ रहा है इसलिए हवा भी बहुत तेज चल रहा है। अभी होट वोट भी सूखने लगा है, देर चिड़चिड़ाने लगा है बहुत कुछ। और अभी मम्मी छत पे गेहूँ पसा रही है, आप लोग भी छत में गेहूँ पसा रही हुई, 2-3 दिन से अभी मतलब सूख रहा है, इसको धोई हुई थी तो 2-3 दिन में भी सूख गया। फिर इसको पापा ले जाएंगे, पापा ले जाएंगे आटा चक्की में, इसको पिसवाएंगे, आटा बनवाएंगे इसका, क्योंकि हम लोग यही इसी का पिसा हुआ ही आटा खाते हैं, ऐसे हम लोग खरीद के ज़्यादा नहीं खाते, क्योंकि हम लोग उसमें ज़्यादा टेस्ट नहीं लगता है खाने में, इसमें थोड़ा अच्छा लगता है खाने में, टेस्ट भी लगता है। ऐसा कुछ इमरजेंसी भी होता है तब हम लोग पैकेट वाला खरीदते हैं, ऐसे वायद वे नहीं लेते हम लोग। और शाम में पापा इसको लेके जाएंगे, धूप बहुत मस्त लग रहा है। श्रीति अभी आए नहीं छत में, उनको बोले नहीं आने के लिए क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा किया है, तो उनको बैठने में अच्छा नहीं लगेगा। और बैठ के यहाँ मतलब नाश्ता कर रहे हैं, तो हवा चल रहा है इतना कि सारा मतलब पत्ता वत्ता देखिए सब यहाँ गिरा हुआ है, खाना में ही आके गिर रहा है सब, खाने में नहीं बन रहा, इसलिए बोले उनको नीचे ही आप खाइए, हम ऊपर खा के जल्दी से नीचे चले गए। और यहाँ का व्यू देखिए, श्रीति अभी हो रहे तैयार, अभी जाएंगे आंगनवाड़ी केंद्र, वहाँ जो इनका कागज बना हुआ है प्रेगनेंसी को लेके, उसमें हर महीना एंट्री होता है और उसमें मतलब लिखवाना पड़ता है, मतलब जो इनका वजन है वो लिखाता है, और इनका जो है प्रेशर वो सब नापा जाता है। तो अभी हो रहे तैयार, लिपस्टिक लगा रहे हैं, तैयार क्या, हाँ मतलब ऐसे ही नॉर्मली रेडी हुए, शॉल ओढ़ के अभी चल जाएंगे। हाँ इनको मन नहीं है जाने का, फिर भी ये जो है नियम उसको पुराने के लिए श्रुति अभी उतर रहा है, जाएंगे पीछे वाला गेट से हम लोग। आइए फोन किए थे गाइस, तो मैं आ गई हूँ वहाँ से, जो काम था वो हो गया है, और फिर बिल्कुल मन नहीं कर रहा था जाने का, मतलब मैं गई थी जहाँ ये होता है कार्ड वगैरह बनता है, मैंने अपने अपने और एक वीडियो पे बताया था आप लोगों के कि आजकल वो सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, आप कहीं भी रहो डॉक्टर दिखाओ, लेकिन गवर्नमेंट वाला जो बच्चे का ये होता है इंजेक्शन वगैरह सब कुछ लगता है वो होना एक बहुत ज़रूरी है, तो उसके कारण तो
इस बार मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी जाने का, क्योंकि इस बार अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल जाने का। थोड़ा सा दूर नहीं है, मतलब है थोड़ा ऐसा जगह है ना, पीछे जाना पड़ता है इसी वजह से। तो फिर बोले कि चलो ठीक है, इस बार चली जाती हूँ और अगले बार अब नहीं जाऊँगी। मैंने उनको बोल दिया अब मैं नहीं आऊँगी, तो बोले कि ठीक है मत आइएगा। तो आ गया हूँ घर, और फिर और आप लोग देख ही सकते हैं मेरे चेहरे का हाल क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा। इधर भी देख सकते हैं, पता नहीं क्या हो गया है, मच्छर तो नहीं बोलूँगी लेकिन हाँ, और डार्क सर्कल भी बहुत ज़्यादा, मतलब कि चेहरा पहले से बहुत ज़्यादा इस टाइप काला काला लग रहा है। वैसे भी ठंड का मौसम है, हो सकता है उसके वजह से, लेकिन बहुत अजीब मुझे, मतलब खुद को पहचानने में थोड़ा अजीब, मतलब ये लग रहा है कि पहले मैं ऐसी नहीं थी अब ऐसी हो गई हूँ। क्योंकि मैं अभी ना मेरा फेस जो है पूरा, मतलब थोड़ा भरा भरा टाइप लग रहा है, फेस है क्या फूला फूला टाइप का है। इस टाइम पे ऐसा होता है इस वजह से, तो इतना आसान नहीं होता है सब कुछ, मतलब क्या बताऊँ, बहुत कुछ अब चेंज आ रहा है जैसे जैसे टाइम आ रहा है। तो और अभी मैं अपना कोई भी, मतलब जो कपड़ा है, जो मैं पहले इतनी पतली थी, पहले टाइट करके पूरा फिटिंग पहनती थी, अभी सारे कपड़ा को मुझे, जो मेरा जितना भी है सूट कुर्ती वगैरह सब कुछ मुझे वो सिलाई खोलना पड़ा है सबका। और अभी मुझे कोई, मतलब जो थोड़ा सा टाइट है, एक मिनट मैं बताती हूँ, रुकिए थक जाती हूँ थोड़ा बात करते करते, तो पहले थोड़ा पानी पी लेती हूँ, गला सूख रहा है। तो पहले अच्छे से बैठ जाओ पहले, तो पहले जब मैं, मेरा जितना भी कपड़ा था सूट वगैरह सब कुछ बहुत मतलब अच्छा होता था, और अभी है ना बहुत ज़्यादा, मतलब कोई भी कपड़ा पहनती हूँ तो फिर दिक्कत होता है, नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए सबको मुझे लूज़ करना पड़ा है। और मैं अभी कॉटन का ही बहुत अच्छा से पहन पा रही हूँ, बाकी बात और कोई चीज़ का पहन नहीं पा रही हूँ, कॉटन का बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है पहनने में। तो देखती हूँ और आगे क्या क्या सिचुएशन आएगा, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, लेकिन अभी तो मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा है। तो अभी मिश्रित खा रहे हैं सैटरडे स्पेशल खिचड़ी। खिचड़ी है, चोखा है, और बैंगन का चटनी है, और अचार है। ये रहा सैटरडे स्पेशल खिचड़ी, मेरा भी ये रहा खाना। बैगन नहीं खाते इसलिए बैगन नहीं, हम बैगन नहीं खाते इसलिए बैगन नहीं है, खाइए और कीजिए एंजॉय। हे गाइस, तो अभी हमारा खाना पीना हो गया है और मुझे चॉकलेट खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मिस्टर भगत तो मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए, किटकैट जो मुझे मन कर रहा था। थैंक यू, वेलकम। हे एवरीवन, तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, 5:45 बज रही है रहा, और अभी मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने के लिए, मटर पनीर बनाऊंगी। तो आज आप लोगों को प्रॉपर रेसिपी दे दूंगी शॉर्ट में, तो चलिए चलते हैं किचन। अभी सामान आया नहीं, मिस्टर भगत गए सामान लाने के लिए, तो भी मैं तैयारी करती हूँ। हे गाइस, तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखा देती हूँ इसमें मसाला क्या मैं डालती हूँ। जो डेली मसाला आप डालते हैं खाना में वो वाला ही मसाला है डालने का, तो ये रहा, मैंने यहाँ प्याज काट लिया हुआ है, और लहसुन है, अदरक है, ये मैं अच्छे से मिक्सी में पीस लूँगी, और इसमें थोड़ा सा जीरा डालूँगी और सूखा लाल मिर्च, बस इस मसाला का ज़रूरत है। और एक इम्पॉर्टेंट मसाला होता है जो मीट मसाला, वो वाला पैकेट वाला, उससे खुशबू थोड़ा अच्छा आता है, बस और कुछ भी नहीं चाहिए, और मटर चाहिए। तो मैं इस टाइप से बनाती हूँ जैसे सब्जी बनता है, और बहुत टेस्टी लगता है। एक बार और बनाई थी मैं अपने मायके में, और यहाँ पे भी बनाई थी, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। और प्याज थोड़ा ज़्यादा दीजिएगा, और कटा हुआ नहीं देने से भी चलेगा, तो भी मैं कटा हुआ थोड़ा सा डाल देती हूँ, और पीस के डालने से अच्छा होता है, पेस्ट बन जाता है पूरा, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है और अच्छा भी लगता है दिखने में। चलिए मैं इसे फटाफट ग्राइंड कर लेती हूँ, पीस लेती हूँ। हे गाइस, तो अभी पनीर वगैरह आ गया है, तो मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया क्रैम में, ये रहा पनीर,
और पनीर को करूंगी फटाफट फ्राई। टाइम हो गया भाई, और यहाँ पे पनीर हो गया फ्राई। अब मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ तेजपत्ता, थोड़ा सा कटा हुआ प्याज और जीरा। और इसे फ्राई करने के बाद मैं मसाला डाल दूंगी। और ये रहा मटर, ये रहा पनीर जो मैंने पानी में डुबो के रखा हुआ है फ्राई करने के बाद। यहाँ पे डाल दिया है मसाला जो मैंने पीस के रखा हुआ था, ये रहा। अभी फ्राई हो रहा है मसाला। और अब मैं टमाटर, इसमें डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो टमाटर कट करके इसी में एक ही बार में डाल दूंगी ताकि फटाफट बन जाए। और मटर भी डाल दूंगी साथ में ताकि मटर भी फ्राई हो। तो चलिए मैं टमाटर काट के रेडी करती हूँ। हे गाइस, तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर, ये कटा हुआ। आप पेस्ट भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर डाल दिया है मसाले में। तो अभी इसे डाल के एक ही साथ फ्राई कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद ही मटर डाल दूँगी। और मैंने इसमें टमाटर डालते ही अब डालूंगी इसमें नमक, तो ये गया नमक, ताकि हमारा जो टमाटर है वो अच्छे से जले। अभी तेल जब तक ऊपर नहीं आएगा तब तक इसे फ्राई करते रहना है। हे गाइस, तो यहाँ पे मसाला हो रहा है फ्राई, ये देख सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ मटर, एक कटोरी मटर है फ्रेश आराम का। और इसे भी थोड़ा सा फ्राई करूँगी, तो मैंने डाल दिया वैसे, ये फ्राई भी हो जाएगा और पक भी जाएगा। और इसे मैं कवर करके छोड़ देती हूँ पकने के लिए, ताकि अच्छे से पकेगा। और मैं अब जा रही हूँ आटा गूंथने के लिए फटाफट, अभी तो नहीं, सबको लेट से खाएंगे तो आटा भी 6:30 बज रहे हैं शाम के। आटा गूंथ के रख दूंगी, जब खाएंगे उसके आधा घंटा पहले बनाऊंगी, अभी नहीं, तब तक रेस्ट करूंगी। और मैं ऐसे मूढ़ी वगैरह खा चुकी हूँ और पानी पीना है थोड़ा सा, तो चलिए मिलती हूँ। ये अब तक पकता है और इसके बाद बस आपको कुछ नहीं करना है इसमें, मीट मसाला ये डालना है ये वाला, और इसके बाद पनीर डाल देना है, बस इसके बाद हो जाएगा। आप लोग कमेंट में, मतलब ये कमेंट मत कीजिएगा कि इतनी सुन पनीर, इतना सा पनीर कौन खाएगा। तो मेरे घर में मम्मी नहीं खाती पनीर, पापा आज नहीं खाएंगे घर पर, पापा का बाहर कहीं खाना है इसीलिए, तो हम लोगों का इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऐसे ऑयल आने लगा है बाहर, और इसे अच्छे से फ्राई करना है ताकि महके ना। और थोड़ा सा मैं फ्राई करती हूँ, इसके बाद इसमें मटर, ये जो पानी में मैंने डुबो के रखा हुआ है पनीर, एक साथ सब कुछ इसमें डाल दूंगी, बस बन के तैयार हो जाएगा। और ये बाकी है अभी। यहाँ पे मसाला हो गया फ्राई, अब मैं डाल देती हूँ पनीर। हो गया पनीर, इसे अच्छे से बॉईल करना है। और अब मैं इसमें मिर्च मसाला जो है ये डाल देती हूँ, और ये गया थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये थोड़ा गाढ़ा है, इसमें थोड़ा और पानी डालूंगी और इसे थोड़ा सा पकाऊंगी, बस इसके बाद बनके तैयार हो जाएगा। हे गाइस, तो मैंने पानी डाल दिया था हल्का सा, अब देखती हूँ कैसा हो रहा है, बन रहा है। तो ये देख सकते हैं कितना मस्त बन के तैयार हो गया है। आपको जैसा ग्रेवी रखना है आप रख सकते हैं, मतलब ये सिंपल है, ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। मटर पर ये बहुत टाइप का बनता है, लेकिन ये वाला मुझे सबसे बेस्ट लगता है और अच्छा भी लगता है। आप जैसे सब्जी बनता है वैसे सिंपल बन भी जाता है, अच्छा लगता है, ज़्यादा मतलब तामझाम नहीं है। तो चलिए मैंने आप लोगों को भी खा लिया, कुछ टाइप्स में बनाती हूँ ये रहा। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी कल एक नई वीडियो के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। तो बस आज के लिए बाय, फिर कल मिलेंगे।